हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल परम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वो भी हाई कन्वर्टिंग। तो मैं पर्सनली क्लिक फनल यूज़ करता हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्लिक फनल की मदद से एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हैं और आप इससे किसी भी क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑफ़र को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने मार्केट प्लेस में और आपको ग्रेविटी के ऊपर क्लिक करके एक ऑफ़र को चूज़ कर लेना है। तो मैं इसमें चूज़ करने वाला हूँ कस्टम की टू डाइट, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 438 के आसपास इसकी ग्रेविटी है। तो काफ़ी अफिलिएट इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक वीडियो सेल्स पेज को देख लेते हैं। तो गाइस, ये है इसका वीडियो सेल्स पेज, गेट योर कस्टम की टू डाइट प्लान। और उसके नीचे आपको एक वीडियो दिख जाएगी और उसके नीचे एक बटन है गेट योर कस्टम कीटो डाइट। तो अगर आप इस लैंडिंग पेज के नीचे एक और चीज़ देखेंगे, प्रेफर टू रीड, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके रीड पेज के ऊपर, जहां पर आप कस्टम कीटो डाइट के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो जहाँ पर एक हेडलाइन है, व्हाट वुड यू लाइक टू नो एग्जैक्टली व्हाट टू ईट टू लूज फैट एंड गेट हेल्दी विदाउट गिविंग अप योर फेवरेट फूड और स्टार्विंग योर सेल्फ। तो इस हेडलाइन को मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने लैंडिंग पेज में, जैसे कि मैं क्लिक फनल से बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं अगर आपको सीखना है कि आप कैसे लैंडिंग पेज बना सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ क्लिक फनल। तो सबसे पहले क्लिक फनल में हम लॉगिन हो जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एडवांस लेवल के ऊपर कैसे लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने क्लिक फनल के अकाउंट में और आपको जहां पर क्लिक करना है क्लिक फनल, उसके बाद जाना है आपको बिल्ड फनल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कुक बुक बिल्डर प्रोसेस और क्लासिक। तो आप क्लासिक को चूज़ कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फनल। और इसके बाद आपको तीन ऑप्शन और मिलेंगे, कलेक्ट ईमेल, सेल योर प्रोडक्ट और होस्ट वेबिनार। तो हम यहाँ पर कोई ईमेल कलेक्ट नहीं करने वाले हैं और ना ही कोई प्रोडक्ट को बनाकर सेल करने वाले हैं, हम सिर्फ एक लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। तो मैं क्लिक करूँगा क्रिएट ए कस्टम फनल। उसके बाद आप यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कीटो, क्योंकि हम कीटो डाइट को प्रमोट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कीटो। अगर आप किसी और ऑफर को प्रमोट करना है जैसे कि हेल्थ के, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए बिल्ड फनल। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी जहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के लिए। तो क्लिक फनल आपको बहुत सारे लैंडिंग पेज के लिए आपको टेम्पलेट जो है फ्री में प्रोवाइड करता है। तो आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज के लिए। तो मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्टिन का ब्लैंक पेज मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में आप एक ब्लैंक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एक लैंडिंग पेज। तो हमें एक ब्लैंक कस्टम जो है वो एक लैंडिंग पेज बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कस्टम, आपको एक टेम्पलेट मिल रहा है ऑप्टिन ब्लैंक स्टार्ट। तो आपको इसको चूज़ कर लेना है, सिलेक्ट टेम्पलेट। अपनी मर्जी से आप और भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पर्सनली मैं यही चूज़ करता हूँ ऑप्टिन ब्लैंक स्टार्ट। उसके बाद जैसे ही आपका ये लोड हो जाए, उसके बाद आपको क्लिक करना है एडिट पेज के ऊपर। इसके बाद आपका जो एडिटर है वो लोड हो जाएगा और उसके बाद अपनी लैंडिंग पेज को आप जैसा चाहते हैं आप उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एडिट पेज के ऊपर। तो जहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा जो एडिटर है वो लोड हो रहा है, जो कुछ ही सेकंड लेगा लोड होने के लिए। उसके बाद आप इसके ऊपर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज को। तो आप देख सकते हैं मेरा जो एडिटर है वो लोड हो गया है। तो आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड, कोई भी लाइन आप जो चाहते हैं, जैसा आप लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो हम अपने वीडियो सेल्स पेज के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं आप एक हेडलाइन है, उसके नीचे एक फ़ोटो और आप वीडियो बोल सकते हो, उसके नीचे एक बटन है। तो हमने भी एक ऐसा ही सेम लैंडिंग पेज बनाना है। तो सबसे पहले हम एक हेडलाइन लिख लेते हैं इसमें। तो हम जाते हैं इसमें, तो जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाए। इसको बाद आप डिलीट कर सकते हैं, चाहते तो आप रख भी सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू एलिमेंट। उसके बाद आप कोई भी एलिमेंट जो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हेडलाइन, सब हेडलाइन, पैराग्राफ, बुलेट लिस्ट, इमेज, वीडियो, बटन, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ हेडलाइन के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पर हेडलाइन लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर एक हेडलाइन लिख देता हूँ, फ्री कीटो डाइट चैलेंज। तो ये मेरी सबसे मेन हेडलाइन होने वाली है। उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट कलर और बोल्ड कलर। तो आपको क्लिक करना है टेक्स्ट कलर और इसको आप चेंज कर सकते हैं रेड, येलो, जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कस्टम कीटो डाइट के
लैंडिंग पेज के ऊपर, और यहाँ पर एक हेडलाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा और वापस जाऊँगा अपने एडिटर में। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू एलिमेंट के ऊपर। उसके बाद आपको जाना है सब हेडलाइन। आप यहाँ पर सब हेडलाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा सेलेक्ट और कंट्रोल वी। तो इसमें मैंने एक हेडलाइन और यूज़ कर दी है। तो अब मैं इसमें एक और चीज़ करने वाला हूँ। इसके नीचे मैं एक वीडियो को जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो एक फ़ोटो जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा। उसके ऊपर करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जाना है इमेज के ऊपर, और जहाँ से आप अपनी एक इमेज को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर, डेमो इमेज। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के साइड में एक छोटा सा बटन दिख रहा है इमेज का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इमेज को या कोई भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले एक इमेज अपलोड कर दी है, तो मैं यहाँ पर इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड इमेज के ऊपर। तो जहाँ पर मेरी इमेज अपलोड हो गई है, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो मुझे इसे थोड़ा कम करना है। तो मैं जाऊँगा इमेज विड्थ के ऊपर और मैं इसको कर दूँगा 450। तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। इसके नीचे अब मुझे चाहिए एक बटन। तो बटन ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पर जाऊँगा ऐड न्यू एलिमेंट, और उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन। तो आपने यहाँ से एक बटन को ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें बटन की कुछ सेटिंग करनी है। तो आपको जाना है बटन के ऊपर। आप यहाँ से इसकी जो हेडलाइन है जहाँ पर लिखा गया है क्लिक टू साइन अप, तो मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं जाऊँगा बटन टेक्स्ट में, हम इसको चेंज करेंगे क्लिक टू साइन अप की जगह हम कर देंगे टेक कीटो डाइट चैलेंज, कीटो डाइट चैलेंज। तो उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। सबसे नीचे आना है आपको, जहाँ पर देख सकते हैं बीजी कलर। तो आप यहाँ से इस बटन के कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं इसको रेड में। उसके अलावा आपने यहाँ पर लिंक कैसे लगाना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है क्लिक बैंक में, जो आपने प्रोडक्ट को चूज़ किया है। मैंने चूज़ किया कस्टम कीटो डाइट को। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है प्रमोट के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना एक हॉप लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही जनरेट करके रखा हुआ है। जनरेट हॉप लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको इस तरीके का एक लिंक मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। उसके बाद वापस आपने एडिटर में जाना है, और एडिटर में आने के बाद आपको क्लिक करना है बटन के ऊपर टेक टी टू डाइट चैलेंज। उसके बाद आपको क्लिक करना है एडिट एक्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है सेट एक्शन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपना जो लिंक है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और आपने नीचे देखना है ओपन इन सेम विंडो, तो आपने इसको कर देना है ओपन इन न्यू टैब। उसके अलावा आप और भी सेटिंग कर सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आपने फिर से क्लिक करना है इस बटन के ऊपर, और आपको जाना है एडवांस के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री ऑप्शन, सेटिंग, थीम और एडवांस। तो आपको क्लिक करना है एडवांस के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे आना है, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं बटन इफेक्ट, तो जहाँ से आप अपने बटन के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ रॉकिंग लूप। तो ये बटन देख आप देख सकते हैं इस तरीके से हिलने लग जाएगा, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है और अट्रैक्टिव भी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडलाइन यूज़ किया फ्री कीटो डाइट चैलेंज, तो मैं इसके अंदर थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ फ्री कीटो डाइट चैलेंज। तो मैं इसमें एक और हेडलाइन ऐड कर देता हूँ, विल चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी हेडलाइन कुछ इस तरीके की है, फ्री कीटो डाइट चैलेंज विल चेंज योर लाइफ। तो नीचे एक और हेडलाइन है, उसके नीचे एक वीडियो है जो कि एक फ़ोटो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप ले सकते हैं। उसके नीचे एक बटन है टेक कीटो डाइट चैलेंज। तो जब मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर कोई भी विजिट करेगा तो देखेगा फ्री कीटो डाइट चैलेंज, उसके नीचे एक वीडियो, और उसके ऊपर क्लिक करेगा टेक कीटो डाइट चैलेंज। जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस वीडियो सेल्स के ऊपर, और जहाँ से अगर वो इसके ऊपर क्लिक करता है गेट योर कस्टम कीटो डाइट, तो मुझे डायरेक्ट एक $25 की सेल मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने कीटो डाइट को प्रमोट कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपको जाना है इस मोबाइल वर्जन में, और जहाँ से आप इसको और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल में इस तरीके का लैंडिंग पेज शो हो रहा है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ की कमी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने जाना है इस पूरे के सेटिंग के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आपको जाना है इसमें एडवांस के ऊपर। जैसे आप इसके एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर, तो जहाँ पर बॉर्डर है नन, तो मैं इसको चाहता हूँ बॉर्डर लगाना, तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, फुल बॉर्डर मैं लगा देता हूँ। उसके अलावा बॉर्डर कैसे चाहिए मुझे, स्टाइल कैसे चाहिए, तो मैं सॉलिड की जगह इस पर क्लिक कर देता हूँ,
डैश्ड। और उसके अलावा साइज इसका 3 है, तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5 तक कर देता हूँ। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं 3 ही रहने देता हूँ इसको। तो जब काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरीके से अपने लैंडिंग पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। आपको फिर से जाना है डेस्कटॉप में, तो आप देख सकते हैं मेरा लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का शो हो रहा है। उसके अलावा आप जहाँ पर आप एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐड करके दिखाऊँ नीचे, तो अगर आप इस ऑफ़र को गूगल ऐड के ऊपर रन कर रहे हैं, तो आपको सबसे नीचे गूगल ऐड के लिए पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी होगी इसके नीचे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है ऐड न्यू एलिमेंट के ऊपर, और आपको जाना है इस पैराग्राफ के ऊपर। तो आपको सिंपली पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ आ जाएगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसके बाद आपको इसमें लिंक कैसे लगाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी है। आप इसमें लिंक कैसे लगाना है, आपको जाना है कस्टम की टू डाइट के वीडियो सेल्स पेज के ऊपर, और इसके नीचे आपको दिखेगा टर्म्स एंड कंडीशन ऑन प्राइवेसी पॉलिसी। तो आपको सिंपली इसे न्यू टैब में ओपन कर लेना है, या जहाँ से आप इसका कॉपी लिंक कर सकते हैं, जहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी, आपने राइट क्लिक करना है और जहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद जाना है अपने एडिटर में, और जहाँ पर जाना है प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लग गया है। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर साइड पे मुझे प्राइवेसी का एक लिंक शो हो रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो प्राइवेसी का आप देख सकते हैं। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। आपको वापस जाना है टर्म्स एंड कंडीशन, राइट क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी लिंक एड्रेस, उसके बाद वापस आपको एडिटर में आना है, वापस जाना है टर्म्स एंड कंडीशन में, और यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको पेस्ट कर देना है जो आपने अभी लिंक को कॉपी किया है। तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन का लिंक भी ऐड कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। तो अब आप देख सकते हैं मेरा लैंडिंग पेज कुछ हद तक तैयार हो गया है, पर अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने मोबाइल वर्जन में, और जहाँ से कुछ और चीज़ों को ऐड कर देता हूँ। सिंपली आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पॉलिसी सेटिंग में, और इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो मुझे इसको क्लिक करना है फॉन्ट साइज, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ 10 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे हो गया है। तो अभी मुझे इसके ऊपर और भी चेंजेस करनी है, तो मैं वापस से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, प्राइवेसी के ऊपर जाऊँगा, सेटिंग के ऊपर, और उसके बाद इसका जो मार्जिन है मैं इसको बढ़ा दूँगा, टॉप मार्जिन मैं इसका काफ़ी ज़्यादा कर दूँगा, तो इससे ये काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ जो है वो कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने डेस्कटॉप में, और जहाँ से आप और कुछ चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने लैंडिंग पेज को बना सकते हैं क्लिक फनल से। तो ये बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये बिल्कुल बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है इसको बनाने के लिए। तो आप क्लिक फनल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की मदद से आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अगर आप अपने लैंडिंग पेज को यूज़ करने वाले गूगल ऐड के लिए या फिर फेसबुक ऐड के लिए, तो नीचे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन लिखना मत भूलना, क्योंकि इसके बिना आप ऐड को रन नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्री मेथड से कर रहे हो, तब इसकी ज़रूरत नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी लिखने की। आप जस्ट एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, एक हेडलाइन, उसके नीचे एक वीडियो और उसके नीचे एक बटन, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐड रन करते हैं, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी होगी। और कोई भी ऐसी हेडलाइन मत लिखिए जिससे किसी भी तरीके की, आप जैसे कि आप लिख सकते हैं लूज़ वेट इन 10 डेज, 5 वेट लॉस इन 7 डेज, तो आप इस तरीके की कोई भी फेक हेडलाइन आपने नहीं लिखनी है। आपने एक ऐसी हेडलाइन लिखनी है जिसे गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड आपको अप्रूवल दे दे, जैसे कि फ्री की टू डाइट चैलेंज विल चेंज योर लाइफ। तो मैं यहाँ पर एक फ्री की टू डाइट चैलेंज दे रहा हूँ, तो हेडलाइन काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी कन्वर्ट करती है। तो मैं इस तरीके का मैंने लैंडिंग पेज बनाया है, तो आप बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है सेव के ऊपर, जहाँ से आप अपने लैंडिंग पेज को सेव कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर सेव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पर SEO मेटा डाटा आपको इसको डिलीट कर देना है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कीटो डाइट, और उसके बाद आपको इसको सिंपली छोड़ देना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप
और चीज़ें कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप एस यू मेटा डाटा कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई कोड ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप गूगल ऐड का कोई कोड यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से इसके इस लैंडिंग पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बैकग्राउंड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें जनरल में और भी सेटिंग आ जाएंगी। तो कोई भी अगर इस लैंडिंग पेज की आपको सेटिंग करनी है या कोई कोड को इंसर्ट करना है तो आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर ट्रैकिंग कोड के अंदर अपना कोड जो है इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखा दिया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस एग्जिट के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लैंडिंग पेज बिल्कुल तैयार है, और आप एक लिंक ले सकते हैं इस लैंडिंग पेज का। तो वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसके बैक के ऊपर क्लिक करेंगे एग्जिट के ऊपर, तो वहाँ से आपको अपने लैंडिंग पेज का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैंडिंग पेज का लिंक बिल्कुल तैयार है। तो ये मेरे लैंडिंग पेज का लिंक है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर भी क्लिक फनल आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, तो आप चाहे तो अपने लैंडिंग पेज के लिंक को चेंज भी कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इस गियर के बटन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने लैंडिंग पेज के लिंक को अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फनल स्टेप नेम, आप यहाँ पर एक फनल का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ कीटो। और इसके नीचे आप पाथ के ऊपर यहाँ पर डाइट का जो है वो नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है फनल स्टेप नेम कीटो, और यहाँ पर दे दिया कीटो डाइट। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप दे सकते हैं फ्री कीटो डाइट। तो इस तरीके का भी आप अपने फनल का नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है अपडेट फनल स्टेप। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैंडिंग पेज का लिंक है वो कस्टमाइज हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं मेरे लैंडिंग पेज का लिंक कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, बैक स्लैश और डाइट। तो यहाँ पर मेरा डाइट जो है वो लिंक ऐड हो गया है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ व्यू के ऊपर तो मेरा लैंडिंग पेज शो हो जाएगा न्यू विंडो में। तो आप देख सकते हैं मेरा लैंडिंग पेज लोड हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसके लिंक को देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मेरा लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, फ्री कीटो डाइट चैलेंज विल चेंज योर लाइफ, और इसके नीचे एक और हेडलाइन, उसके नीचे एक इमेज, और इसके नीचे एक बटन टेक कीटो डाइट चैलेंज। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके का एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं क्लिक फनल की मदद से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं इसके नीचे।